हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के डायरेक्टली डेरिवेटिव्स के आंसर क्या आते हैं, जिससे आप एग्जाम में उन फंक्शंस का आंसर इजीली 2-3 सेकंड में लिख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे आज के ट्रिक्स। तो ये क्या है, कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस है। तो आपको बस ये 4 इक्वेशन सिर्फ देख के याद रखना है, इनको मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ इन्हें देख के याद रखना है कि अगर ऐसे फंक्शन दिखे तो हमें डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिखना है। तो क्या है वो फंक्शंस? पहला फंक्शन है x² - y² और अपॉन में x² + y² इज इक्वल टू a². देन सेम फंक्शन है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा टैन इनवर्स है। देन इस सेम फंक्शन में यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे कॉस इनवर्स है। अगर आपको एग्जाम में इस चारों में से कोई भी फंक्शन दिखता है तो आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे? dy/dx इज इक्वल टू y/x। इन चारों में से कोई भी फंक्शन आया तो उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव आएगा y/x। क्या है फंक्शन? x² - y² और अपॉन में x² + y² इज इक्वल टू a² और उसके साथ में अगर tan इनवर्स, sin इनवर्स और cos इनवर्स, ये तीनों में से कोई आया तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? उसका डेरिवेटिव y/x। देन आवर नेक्स्ट फंक्शन इज sec इनवर्स ऑफ x - y/x + y इज इक्वल टू a। अगर आपको ऐसा फंक्शन एग्जाम में दिखे तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा डायरेक्टली dy/dx इज इक्वल टू y/x। देन उसके बाद ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है, ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। तो इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या आएगा? dy/dx इज इक्वल टू y/x। और इसके लिए आपको और एक एक्स्ट्रा बात याद रखनी है, वो है कि इसी चीज का, मतलब इस इक्वेशन का अगर आपने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला d²y/dx² तो उसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्या याद रखा कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है उसका सेकेंड डेरिवेटिव आता है 0। देन हमारा फोर्थ फॉर्म है x⁻p × y⁻q और ये नीचे वाले जो बेस में है एक्स और वाई, वो अगर यहाँ पे x + y रहेंगे और ये ऊपर वाले √2 वाले पावर्स यहाँ पे p + q रहेंगे। तो इस वाले फॉर्म का भी डायरेक्टली डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल टू y/x। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा क्वेश्चन है x⁻11 और × y⁻7, तो यहाँ पे अगर x + y⁻ यहाँ पे अगर आपको 18 दिखा, मतलब 11 + 7 आपको यहाँ पे 18 दिखा, तो इस केस में आपका डायरेक्टली डेरिवेटिव आ जाएगा y/x। ये हमारा डायरेक्टली बनेगा फाइनल आंसर। तो ऐसे केस में आपको इस इक्वेशन को कुछ भी सॉल्व नहीं करना है डेरिवेटिव निकालने के लिए, आपको डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है y/x। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ट्रेडिशनल मेथड से आपको कुछ 7 to 8 steps लग जाएंगे, तो उसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सिर्फ ये फॉर्म्स याद रखने हैं, मतलब सिर्फ विजुअलाइज करना है कि 11 + 7 = 18, मैंने ये कहीं पर तो पढ़ा था, तो उसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? तो y/x आएगा, ये आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा, तो उसे आपको बस टिक करना है। तो आपको इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।